मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को देश के विभिन्न भागों से रेलगाड़ियों द्वारा राज्य में पहुंचने वाले लोगों की जांच करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को सभी सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि वृद्ध लोगों और दीर्घकालिक रोगियों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में अलग शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 अप्रैल से अब तक देश के विभिन्न भागों में फंसे 130,000 से अधिक हिमाचली लोग राज्य में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 81,000 लोगों को होम क्वारंटीन और 6,500 से अधिक को संस्थागत क्वारंटीन के तहत रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष ने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बाहरी राज्यों से आने वाले हिमाचलियों की प्रदेश वापसी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की उचित जाँच और चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोगों की प्रदेश वापसी की संभावना को ध्यान में रखते हुए उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वे संस्थागत क्वारंटीन के अतिरिक्त प्रबंध करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए पीपीई किट और अन्य सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा जब तक कि उनका कोविड परीक्षण नहीं किया जाता तथा नेगेटिव पाए जाने के उपरांत ही घर जाने की अनुमति प्रदान की जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले हिमाचलियों का पूरा डेटा भी संकलित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन व्यवस्था को भी मजबूत और प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि घर में होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों को अलग रखा जा सके और वायरस को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन में लगे कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण भी प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे बिना किसी भय के काम कर सके। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं, उनको उसी स्थिति में जहां वो पहुंचते हैं, जहां हम उनको क्वारंटीन करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करते हैं, तो वही ही हम उनको संभालें और उसके बाद किसी भी सूरत में वो गांव में ना पहुंचें, इस बात को लेकर के आप सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और दूसरी बात, जो होम क्वारंटीन में जो हम लोगों ने रखे हैं, उसके मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने, यानी कि उसको बिल्कुल सख्ती से मॉनिटर करने की जरूरत जो है वो अभी भी है। काफी लोगों से हमने, आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने पंचायत के प्रधानों के साथ भी पिछले दिनों काफी विस्तार से बातचीत की है। लगभग 2000 के लगभग पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने अच्छा उत्साह भी दिखाया है और उत्साह के साथ साथ में वो सहयोग दे भी रहे हैं। तो बड़ी तादाद में हमारे पास पॉजिटिव केस आ रहे हैं और ये लगभग आइडेंटिफाइड हैं कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां से मामले ज्यादा आ सकते हैं, तो वो आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन 4 दिन तक हमारे पास जो लोग आने वाले हैं उसमें ये संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए फर्दर हम स्ट्रेंथन कर लें, चाहे वो आपने अपनी क्वारंटीन सुविधा की बात है, चाहे उसके बाद आइसोलेशन में रखने की बात है, चाहे वो होम क्वारंटीन में रखने की बात है। होम क्वारंटीन का विषय तो यह है कि भाई वो तो एक कंडीशन में होंगे, उसी सूरत में जा पाएंगे जब उनका जो है टेस्ट जो है कोविड-19 जो है नेगेटिव आएगा, उसके बाद ही हम उनको घर भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजेंगे, इस बात को सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।